अगले जन्म में क्या बनेंगे आप, गरुड़ पुराण की इन 8 बातों में छिपा है रहस्य। व्यक्ति को अपनी मृत्यु के बाद कर्मों के आधार पर स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि कर्मों के आधार पर अगले जन्म में व्यक्ति किसी रूप में जन्म लेता है। गीता में कहा गया है कि आत्मा अजर अमर है। जैसे व्यक्ति अपने कपड़ों को बदलता है, आत्मा भी उसी प्रकार शरीर बदलती है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के कर्म का लेखा जोखा बताया गया है, जिससे मनुष्य के पाप और पुण्य निर्धारित होते हैं। मान्यता है कि व्यक्ति को अपनी मृत्यु के बाद कर्मों के आधार पर स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि कर्मों के आधार पर अगले जन्म में व्यक्ति किसी रूप में जन्म लेता है। तो आइए जानते हैं गरुड़ पुराण क्या कहता है। नमस्कार मित्रों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। नंबर 1, महिलाओं का शोषण करने वाला। जो लोग महिलाओं का शोषण करते या कराते हैं, वो अगले जन्म में भयानक रोगों से पीड़ित होते हैं। वहीं अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाने वाला अगले जन्म में नपुंसक गुरु पत्नी के साथ दुराचार करने वाला कुष्ठ रोगी होता है। नंबर 2, धोखा देने वाला। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य छल, कपट और धोखा देते हैं, वो अगले जीवन में उल्लू बनते हैं। वहीं झूठी गवाही देने वाला दूसरे जन्म में अंधा पैदा होता है। नंबर 3, हिंसा करने वाला। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति हिंसा करके परिवार का पालन पोषण करते हैं, जैसे लूटपाट, जानवरों को सताना या शिकार खेलने वाले, वह व्यक्ति अगले जन्म में किसी कसाई हत्थे चढ़ने वाला बकरा बनते हैं। नंबर 4, परिवार को प्रताड़ित करने वाला। माता पिता या भाई बहन को प्रताड़ित करने वाले मनुष्य को अगला जन्म तो मिलता है, लेकिन वह धरती पर नहीं आ पाते क्योंकि उनकी मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है। नंबर 5, गुरु का अपमान करने वाला। गुरु का अपमान यानी भगवान का अपमान, ऐसा करना नरक के द्वार खोलने जैसा है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गुरु से कुतर्क करने वाला शिष्य अगले जन्म में जल रहित वन में ब्रह्म राक्षस बनता है। नंबर 6, पुरुष का महिलाओं जैसा व्यवहार। यदि कोई पुरुष महिलाओं वाला आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है, तो ऐसे पुरुषों को अगले जन्म में स्त्री का रूप मिलता है। नंबर 7, मृत्यु के समय भगवान का नाम। अगर कोई मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है, तो वो मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मरते समय राम का नाम लेना चाहिए। नंबर 8, हत्या करने वाला। स्त्री की हत्या, गर्भपात करने या कराने वाला भिल्ल रोगी, गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा, ये दोनों नरक की यातनाएं भोगने के बाद अगले जन्म चांडाल योनि में ही पैदा होते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।